गाइस, दिस इज मुर्तजा डॉगर और आप देख रहे हैं मुर्तजा डॉगर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज 4 नवंबर है और पूरी दुनिया में हिंदू बरादरी के लोग जो है वो दिवाली की सेलिब्रेशन मना रहे हैं, दिवाली के फेस्टिवल को मना रहे हैं। और हमारे चैनल की तरफ से पूरे पाकिस्तान, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के हिंदू बरादरी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप इस दिवाली की सेलिब्रेशन भरपूर तरीके से मना रहे होंगे और बिल्कुल हैप्पी तरीके से मना रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं दिवाली के हवाले से एक वीडियो पे, जो कि हाउ वर्ल्ड सेलिब्रेट दिवाली, दुनिया पूरी में, पूरी दुनिया में दिवाली किस तरह मनाई जाती है। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह मुर्तजा डॉगर वर्ल्ड को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो शुरू करते हैं, काउंटर स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और क्या आपको पता है कि यूएई में दिवाली को लेकर लोग इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो लोग लिटरली पटाखे तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा देश नहीं है जहाँ दिवाली का जोश देखने को मिलता है, क्योंकि सिंगापुर जैसा देश जहाँ के 60 लाख की आबादी में से सिर्फ 3 लाख लोग भारतीय हैं, उनके लिए भी नेशनल छुट्टी देता है। कमाल की बात, पर बिल्कुल पाकिस्तान में बड़ी शान से दिवाली मनाता है, जहाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई कराची में, सिंध में बहुत ज्यादा हिंदू बरादरी के लोग हैं, लाहौर में भी, इंडिया में बड़े जोरों शोरों से दिवाली के उत्सव को मनाते हैं। ठीक उसी तरह दुनिया के कई देशों में इसी तरह दिवाली का स्वागत किया जाता है, जिसके बारे में जानेंगे। हाउ दिवाली सेलिब्रेटेड इन फॉरेन कंट्रीज। नंबर 1, सिंगापुर। आप जैसा मैंने आपको बताया, दिवाली के दिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं जलाए जाते हैं, बल्कि 6000 किलोमीटर दूर सिंगापुर में भी दिवाली की बहुत कम है, लेकिन लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। और सब कुछ इस तरह धूमधाम से मनाया जाता है कि भारत की ही तरह इस दूर देश में भी दिवाली के अवसर पर देश भर में छुट्टी दी जाती है, जहां हिंदुओं से लेकर जैन्स, बुद्धिस्ट और दूसरे जाति के लोग भी भाग लेते हैं। लेकिन बस छुट्टी तक की बात नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में तो अलग से एक मार्केट है जिसे लिटिल इंडिया बुलाया जाता है, जहां सिंगापुर के भारतीयों के साथ ही दूसरे लोग भी लाइन लगाकर दिवाली की शॉपिंग करते हुए पाए जाते हैं, जिसे देखकर आपको भी लगेगा जैसे आपने कोई इंडिया की व्यस्त मार्केट में पैर रख दिए हो। क्योंकि दिवाली के वक्त खास करके लिटिल इंडिया को पूरी तरह से सर से पांव तक पूरा ये इंडिया लग रहा है, हिंदुस्तान लग रहा है, इंडिया की तरह ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली का कोई बाजार है। इस मार्केट में दिवाली और इंडिया से जुड़ी हर वो चीज आपको मिल जाएगी जो हमारे यहाँ मिलती है, और हमारे इस संस्कृति को सिंगापुर के लोग भी काफी पसंद करते हैं, जहां ये लोग इंडिया के कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए उनकी खबरों में भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। वैसे इन सारी चीजों को देखकर हैरान मत होना, क्योंकि जिस देश में भारत के लोग 19वीं सदी से रहते आ रहे हैं, वहां हमारी संस्कृति का थोड़ा बहुत असर तो होने ही वाला था ना। तभी तो आज सिंगापुर के 60 लाख की संख्या का 9% हिस्सा भारतीयों से ही भरा हुआ है, जहां तकरीबन 3.5 लाख भारतीयों की वजह से सिंगापुर में ये तीसरा सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप भी है। नंबर 2, यूएसए। वैसे देखो भाई, भले ही हम इंडियन लोग घर से मीलों दूर अमेरिका ही क्यों ना चले जाएं, फिर भी दिवाली को हम साथ लेकर ही चलते हैं, और इसीलिए तो न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में दिवाली का जश्न इंडिया के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा दिवाली का सेलिब्रेशन होता है, जहां आप मानोगे नहीं, बॉलीवुड नाइट तक मनाया जाता है, जहां इंडिया के कई मशहूर गायक और सेलिब्रिटीज परफॉर्मेंस भी देते हैं, और यही उत्सव लोग जमा होते हैं और दूसरे भारतीयों के साथ दिवाली के शुभ अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन सिर्फ यूएसए की जनता ही नहीं, बल्कि इस उत्सव में अपना योगदान देते हैं, जहां वो व्हाइट हाउस इंडिया भाई पूरी दुनिया में धूम मचाया करते हैं, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया को तब देखने को मिला जब यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने, इंडिया की डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त है पूरी दुनिया के साथ, जो है वो रिलेशन बड़ा जबरदस्त, और साथ ही सबके सामने भारतीय और दूसरे देशों के लोगों को दिवाली और नए साल की शुभकामनाएं भी दी थी। 42 लाख 4.2 मिलियन पीपल। खैर, वैसे भी जिस देश में 42 लाख लोग भारतीय हैं, तो वहाँ भारतीय उत्सव ना मनाए जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी तो यूएसए के लगभग सारे शहरों में जैसे इलिनॉइस, टेक्सास, कैलिफोर्निया में दिवाली के सेलिब्रेशन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ खास करके इंडिया से पंडितों को बुलाया जाता है और मंदिरों को सजाया जाता है। साथ ही दिवाली के मौके पर यूएसए के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी लाइट से सजाया जाता है। वैसे इन्हीं की तरह यूके और कनाडा में भी दिवाली का सीन आपको कुछ इसी तरह देखने को मिल जाएगा।
हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में आज बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर्स, यूरोज वगैरह में भी आपको 90% प्रॉफिट तक मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैं एक 700 रुपए का ट्रेडअप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा रुकते हैं। Yes, मेरा फोकस सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है। और हाँ, आप मेरा नंबर 3 पाकिस्तान। चाहे इन दो देशों में बहुत ज्यादा तनाव क्यों ना हो, पर फिर भी जब बात आती है दिवाली जैसे त्योहार की, तब पाकिस्तान में भी मुसलमान और हिंदू मिलकर ये उत्सव मनाते हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान के कराची शहर में बसे स्वामी नारायण मंदिर में ये सालों से चली आ रही प्रथा है, जहां हर साल हिंदू मुसलमान मिलकर दिवाली ही नहीं बल्कि दूसरे हिंदू उत्सवों का भी आगमन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। साथ ही आप मानोगे नहीं कि हमारे पड़ोसी देश में इन टोटल 365 हिंदू मंदिर बने हैं, जहां दिवाली के वक्त इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं बचती। और तो और, इसके अलावा पाकिस्तान में भी अलग अलग जगहों पर दिवाली के स्पेशल बाजार लगाए जाते हैं, जहाँ दिवाली के लिए जरूरी हर वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, लोकल पब्लिक के अलावा वहाँ की सरकार भी बहुत सम्मान के साथ वहाँ के हिंदुओं को दिवाली के उत्सव पर शुभकामनाएं देती है। नंबर 4 मलेशिया। मलेशिया जैसा छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या बस 30 करोड़ है, वहाँ 18 लाख लोग हिंदू ही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पाए जाने वाले भिन्न भिन्न धर्मों में से हिंदू धर्म चौथा सबसे बड़ा धर्म है। तभी तो मलेशिया में भी दिवाली का जश्न बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। और सिंगापुर की तरह मलेशिया में भी अपना अलग से लिटिल इंडिया है, जहां भारतीय जी भर के घर से दूर दिवाली की खरीदारी करते हैं। वैसे तो मलेशिया में रहने वाले ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, जहां इनकी 3/5 आबादी मुसलमान है, मगर फिर भी मलेशिया में सभी धर्मों को मान सम्मान दिया जाता है, जिसकी वजह से यहां दिवाली को भी उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है जैसे हम इंडिया में मनाते हैं। और यही उत्साह के चलते मलेशिया में भी दिवाली के दिन पब्लिक हॉलिडे दी जाती है, जहां सब धर्मों के लोग मिलकर रोशनी के इस खूबसूरत त्योहार में शामिल होते हैं। पर जहां बाकी के मलेशिया में दिवाली बहुत जोरों शोरों से मनाई जाती है, वहीं इनके दो शहर सरावाक और फेडरल टेरिटरी ऑफ लेबुआन में दिवाली का उतना जोश दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहां भारतीयों की संख्या सबसे कम है। पर कुआलालंपुर में जहां दिवाली सबसे ज्यादा जोश के साथ मनाई जाती है, वहां के ब्रिकफील्ड में मौजूद लिटिल इंडिया में दिवाली का मार्केट तक लगता है। और तो और, अपने यहां के मॉल्स और दुकानों के बाहर दिखने वाली रंगीन रंगोलियां वहां पर भी देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें वो कोलम के नाम से जानते हैं। यही नहीं, दिवाली के दौरान कई मलेशियन होटल्स वगैरह भारतीय खाने पर स्पेशल दिवाली डिस्काउंट भी रखते हैं, जहां पूरे इलाके में जाते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इंडिया में ही आ गए हो, क्योंकि यहां भी आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मलेशिया में ब्रिकफील्ड ऐसा अकेला इलाका नहीं है जहां लिटिल इंडिया देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा भी पेनांग, मिलाका, इपोह और क्लांग में भी इस तरह के मार्केट्स लगते हैं, जहां मलेशिया में रह रहे हमारे इंडियन भाई बहन घर जैसा फील कर सकते हैं। नंबर 5 UAE। और अब बारी आती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जहां 90% लोग मुसलमान हैं, पर फिर भी वहां के माइनॉरिटी हिंदुओं के लिए हर साल दिवाली जोरों शोरों से सेलिब्रेट की जाती है। यहां सेलिब्रेशन इतना शानदार होता है कि दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा तक को हर साल दिवाली के शुभ अवसर पर लाइट से सजा दिया जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दुबई में कई दूसरे तरीकों से भारतीयों के लिए दिवाली को यादगार बनाया जाता है, जहां दुबई क्रीक पर हर साल आतिशबाजी का आलीशान शो दर्शाया जाता है, जिधर देश भर से लोग अपने परिवार संग इसका मजा उठाने आते हैं। वैसे ये दुबई का छोटा एरिया है, जहाँ वो भी सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा, कोई अपने आप से पटाखे खरीद के फोड़ नहीं सकता। लेकिन क्या है ना, कभी भी इलीगल चीजों की कमी तो होगी नहीं। तभी तो ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर दिवाली के वक्त खास तौर पर कई लोग गैर कानूनी तौर से पटाखों का व्यापार करते हैं, जो कि करना बहुत ज्यादा इलीगल है, जहाँ अगर पकड़े गए तो 5,000 दीनार यानी 1,00,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। खैर, अगर ये सारी चीजों को साइड में रख दिया जाए, दुबई क्रीक की ही तरह दुबई के बॉलीवुड पार्क्स, जिसे पहले से ही बॉलीवुड और इंडिया की थीम पर बनाया गया है, वहाँ दिवाली के वक्त और भी 4 चांद लग जाते हैं, जहाँ कई बॉलीवुड के सितारे परफॉर्मेंस देने भी जाते हैं। और तो और, खास करके यहाँ के स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में भारतीय खाना भी परोसा जाता है। और इसके अलावा भी दुबई में दिवाली और इंडियंस को इतना मान सम्मान दिया जाता है कि एक मेजॉरिटी मुसलमान देश होने के बावजूद वहाँ स्कूल्स में भी दिवाली की छुट्टी दी जाती है। लेकिन बस इतना ही नहीं, यहाँ के शेख साहब भी वहाँ रह रहे भारतीयों और पूरी दुनिया को बिना भूले हर साल ट्विटर के द्वारा दिवाली की शुभकामनाएं जरूर देते हैं।
अब ये सब देखकर एक बात तो साफ नजर आती है कि दुनिया भर के देशों में भारतीय संस्कृति के लिए काफी सम्मान है, तभी तो इतने धूमधाम से हमारे उत्सव को दूर देश वाले भी। लोगों तो दोस्तों वीडियो खत्म हो चुकी है, बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, पूरी दुनिया में जो है वो दिवाली की सेलिब्रेशन मनाई जा रही है और मुझे स्पेशली ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में इसने अच्छे अंदाज से जो है वो दिवाली की सेलिब्रेशन मनाई जाती है, खासतौर पर कराची में। तो ये बहुत ही जबरदस्त है, पूरी दुनिया में जो है वो दिवाली को और हिंदुस्तान के लोगों को मान सम्मान दिया जाता है, ये कि बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हमें एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करनी चाहिए और इसी तरह हम दुनिया को पुरअमन रख सकते हैं, पीसफुल रख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।